शांति, आज 17 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, दया सिंधु, शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मनाभव मद्याजी भव। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन, जितने भी जो कर्म बंधन है उनसे मुक्त होने के लिए युक्ति क्या है? उत्तर है, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। तो बाबा कितना ना अटेंशन दिला रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। जिस प्रकार मोबाइल का हम चार्ज करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है तो वो वर्क कर सकता है, ऐसे ही सर्वशक्तिमान शिव बाबा बैटरी फुल बैटरी है, उसके साथ हमारा बुद्धि का कनेक्शन। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को दैवी गुणों से संपन्न बना के सतयुगी दुनिया में ले जा रहे हैं। और भी एक जो स्मृति जो बाबा कहते हैं, संगम युग का एक एक सीन जब फिक्स हो रहा है तो मुझे अपने सीन को, अपने एक्शन को बहुत बहुत अच्छे से एक्टिंग करना है, वैसे ही वो फिक्स हो जाएगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है, मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। जो बेस्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, कभी भी मुरली में बेपरवाह नहीं होगा, अलर्ट होकर के मुरली सुनेगा, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाबा से रखने हैं, आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धियोग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि अपने साथ किसी का कनेक्शन नहीं, आपस में भी कनेक्शन नहीं, किसी हद के संबंध में प्यार नहीं रखनी है, लेकिन बुद्धियोग एक बाबा में। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। गीत भी हम गाते हैं कि माता पिता बंधु सखा सहायक सब कुछ बाबा है, कहते तो हैं, मानते कितने हैं, इसको हम स्वयं चेक करें। वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। बाबा ने आज कहा संतोषी आत्मा भव, तो जो जिस स्वमान में हम रहते वही वाइब्रेशन सब जगह जाएगा। अगर हम असंतुष्ट हैं, ना खुश हैं, तो क्या होगा, सबको हम वही वाइब्रेशंस देंगे ना। अगर मैं स्वयं नेगेटिव हूँ तो क्या होगा, नेगेटिव वाइब्रेशंस देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या बनो, संतोषी आत्मा भव। विस्तार है, कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति हो लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो या कठपुतली का खेल रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो, संगम योग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम योग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है ना। तो बाबा ने आज हमें आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग सिखाया, और इसमें भी खास बाबा ने कहा है कि परिस्थितियां आएंगी लेकिन मुझ आत्मा को संतुष्ट रहना है, संतुष्ट मणि बन करके हर एक को संतुष्ट करना है। तो अगर एक भी वरदान को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया और धारण कर ली तो हमारे जीवन का एक प्रिंसिपल बहुत सुंदर से हमारे जीवन का निर्माण कर सकता है।
स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अगर अंदर गुस्सा है तो चेहरे पे आ जाता, अंदर दुख है तो चेहरे पे आ जाता, अंदर अगर कोई ईर्ष्या है वो भी चेहरे पे आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर अंदर खुशी है कि मेरा तो एक शिवबाबा दूसरा न कोई, दुनिया जिसको ढूंढ रही थी वो भगवान मेरा है, वो साथी सृजनहार मेरा है, वो करण करावनहार मेरा है, इन सब बातों की सिमर सिमर, क्योंकि आज बाबा ने खास कहा कि ज्ञान का सिमरन करना है और याद की यात्रा में रहना है, और याद हम उस व्यक्ति को करते हैं, जैसे दुनिया में भी याद हम उस व्यक्ति को करते हैं जिसके प्रति हमारे प्रीत होता है, ऐसे ही जब हमारा बुद्धि योग भगवान के साथ होता है और हमारा बुद्धि योग परमात्मा से प्रेम का बुद्धि योग है, तो तब ज़रूर ज़रूर उसको हम याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति।